जो घटना जेएनयू में हुई है वो एकदम जिस तरह से टारगेटेड तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ है, है? ये पूरा का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो जो है इस देश के निर्माण में नहीं है, लेकिन इस देश ये पूरा जो आंदोलन है इस मुल्क को बचाने का आंदोलन है, और उसमें जो तमाम जो वाइसेज हैं उनको जेएनयू ही नहीं एएमयू में जामिया में जगह जगह पर कुचला जा रहा है। जैसे हमारा एक साथी राबिन वर्मा है और जिसकी अरेस्टिंग के बाद जो है वो सीआरपीसी कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ से उनको निकाल दिया गया। अब बताइए उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 दिन का एक बच्चा है, तो वो कैसे अब रहेंगे? ये सवाल नहीं है, माने कि आप पूरे के पूरा आप चाहते हैं कि उनका कैरियर आप चौपट कर दें, हैं? लेकिन सवाल इस बात का है कि आज देश जिस स्थिति में पहुँच गया है, इस देश का जो छात्र नौजवान है उसने इस बात को तय कर लिया है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो पूरा संविधान बनाया था वो संविधान नहीं रहेगा तो हमारा हक को कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उस संविधान को बचाने की जो लड़ाई है उसमें वो सामने आ रहा है और आएगा, और हमें पूरा भरोसा है। और इसका जो लोग सोच रहे हैं कि ये आंदोलन कुछ गुंडे कुछ लुम्पेन से आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये होने वाला नहीं है। आप सिंपल सोच लीजिए कि जिस तरीके से इन लोगों ने सोचा कि हम धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर देंगे और लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इस देश की बड़ी हिंदू मुस्लिम आबादी सिर्फ एक स्टेट दो स्टेट नहीं पूरे देश में निकला, पूरी दुनिया में निकला, पूरे दुनिया, और सब ने इस बात को कहा कि नहीं हम धर्म के आधार विभाजन नहीं होने देंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान जो हमको दिया है और उसके हकूक इंसाफ की जो लड़ाई है उसके साथ हम खड़े होकर एक नए भारत के निर्माण की हम लोग कल्पना करेंगे। सर, इस पूरे मामले में पुलिस पे एक बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो वो गुंडे थे जिनके हाथों में डंडे थे हथियार थे रोडे थी वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, आज तीसरा दिन भी खत्म होने के लिए। देखिए, जब वो गुंडे क्या वो पुलिस भी गुंडा है, और क्या कहते हैं जहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपने एबीवीपी और हिंदू वाहिनी इस तरह के गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पुलिस इस्तेमाल करती है। अब 28 नौजवान जो मारे गए उत्तर प्रदेश में बुलेट इंजरी से मारे गए वो पुलिसिया गुंडों ने मारा जो है, तो जब ये पूरा का पूरा स्टेट ही गुंडा स्टेट हो गया है पूरा जो है, और ये स्टेट गुंडा स्टेट। अब सिंपल सोचिए कि जो माने कि मोदी क्या इमेज है, हैं भाई? मुसलमानों को काटने मारने की तो इमेज थी 2002 की, अमित शाह की क्या इमेज है? तड़ी पार की इमेज है। योगी आदित्यनाथ की क्या इमेज है? योगी आदित्यनाथ जो है क्या कहते हैं इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, और यहाँ तक कि यही योगी आदित्यनाथ जो है खुद भी संसद में रोए हैं। लेकिन इस देश का इतने बड़ा प्रोटेस्ट में बताइए इतना बड़ा दमन है, तमाम लोग मारे गए हैं, लेकिन कोई क्या रोया है उसकी तरह से? मतलब कि हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे हम इस सरकार से इस पुलिस से हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से वो अरेस्ट करेंगे और सीए से इसका मुद्दे को भटकाने के लिए इधर एक एक्टिविटी की गई है जेएनयू। देखिए, इसे कैसे हम मानते हैं? बेसिकली जो जेएनयू पे जो है हमला है वो वैचारिक हमला है, जो आइडियोलॉजिकल जो संघ का हमला है, जिस तरह से लोग ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं, 370 के एजेंडे में था, 35 एजेंडे में था, इस देश में रिजर्वेशन को ख़त्म करना इनके एजेंडे में था, इस देश में जो है मुसलमानों को दोहरी नागरिकता के पिलाना इनके एजेंडे में था, इसी तरह से उसी एजेंडे का पार्ट है कि जेएनयू एक तार्किक लॉजिकल सोसाइटी का निर्माण करता है। इस देश में जो बिहार से लेकर यूपी से लेकर जो गरीब गुरबा इलाका है उसका जो वंचित तबका है वो आके यहाँ से पढ़ता है लिखता है, वो अपने समाज की बेहतरी के लिए नए निर्माण करता है, उसकी बात करता है, वो चाहते हैं कि ये प्रोसेस न चले, ये मनुवाद का प्रोसेस चले, संघ का जो मनुवादी सिस्टम है उसके तहत चले, जिसके तहत जो है कल की डेट में ये जो चाहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं तो आगे फिर से मेटी बांध करके पीछे झाड़ू बांध करके ये चाहते हैं। नहीं तो अगर बताइए कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन जो पूरी दुनिया में जाना जाता है कि पढ़ने लिखने का इंस्टीट्यूशन, उसको तो किसी भी सरकार को उसको बेहतर करने चाहिए, जरूरी एक लॉजिकल इंडिया बनाने की जरूरत, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा मनुवादी सिस्टम लागू हो और वंचित तबका न पढ़ पाए, इसलिए जेएनयू पे लगातार हमला है। ये भी हमला जेएनयू पे है, इसके पहले भी हमला जेएनयू पे। सर, इसमें उभर के आ रहा है कि एबीपी ने हमला किया है, लेफ्ट के छात्र कह रहे हैं, लेकिन एबीपी के लोग कह रहे हैं कि ये लेफ्ट वालों ने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि किसने किस पे हमला किया, पुलिस तो पकड़ नहीं पाई किसी। देखिए, हमला तो जो है ये मोदी और शाह का है, उस टीम का हमला है, और ये लगातार हमला ये लोग करते रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है जो है। अब ये कहना कि इन्होंने हमला किया उन्होंने हमला किया, जो डंडा लेके घूम रहे हैं, हैं, और जो पूरा का पूरा एएमयू में जो पूरा पुलिस जो तोड़ रही थी, हैं, या फिर जामिया में तोड़ रही थी, या उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो पुलिस के वीडियो
फुटेज आ रहे हैं एकदम एकदम सीने पे गोली चलाते हुए, अब आप कहिए कि नहीं, क्या कहते हैं कि वो तो हमला हमारे यहाँ DGP कर रहे हैं कि तो प्रोटेस्टर्स आपस में हमला कर दिए, महिलाओं को आगे कर दिए, लेकिन सब सब वीडियो बता रहा है ना, एविडेंस है ना, पिक्चर बता रही है ना, और वो तो आए जाए कोर्ट में आए भाई, हमारा भी FIR लिखे, उनका भी FIR लिखे, नहीं तो यहाँ तो क्या आ रहा है, उनका FIR लिखा जा रहा है और आपका जो है बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो सर क्या लगता है, जैसे आपने जामिया का नाम लिया, पुलिस जामिया में तो घुस जाती है तुरंत, लेकिन 3 से 4 घंटे JNU में तांडव चलता रहता है, तोड़फोड़ चलती रहती है, लेकिन पुलिस अंदर नहीं जाती है। ये जो मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जो सरकार के इशारे पर ये प्रायोजित तरीके का हमला था, पुलिस को स्पेशल रूप से कहा गया था कि आप इसमें जो है आप जो एक दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो एक टाइम पीरियड में वो घटना को उन्होंने मारपीट किया, उसके बाद हुआ ऐसा है, तमाम दंगों में हम देखते हैं कि तमाम जगहों पर देखते हैं, और यहाँ यही नहीं, आप देखिए कि इन्हीं के लोगों ने बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी है, और अब पुलिस भाग खड़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश का कोई DGP कोई SP उस पर कोई बोलने के लिए हिम्मत नहीं था, क्यों, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई ये जो भगवाधारी गुंडे हैं, हिंदू वाहिनी बजरंग दल बाजू में, इन पर आपको कुछ नहीं करना है, तो नहीं करना है, इस पर एक टाइम बाउंड कर दिया गया, आप जाओ तोड़फोड़ कर लो, और उन्होंने तोड़फोड़ किया, लेकिन मामला इस बात का क्या कि पुलिस क्या अगर माने कि पुलिस प्रशिक्षित नहीं, मतलब है प्रशिक्षण नहीं है। योगी जी कहते हैं कि ठोक दो ठोक देकर नारा देते हैं, आपको सर नारे भी लग रहे हैं कि जैसे JNU के छात्र या कोई छात्र प्रोटेस्ट करते हैं वो नारे लगाते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, तो आप कहते हैं ठोक कर देंगे आज़ादी, तो सर किस तरफ ये देश जा रहा है? देखिए ये देश जो भाजपा और संघ इसको लेना जाना चाहते हैं कि मनुवाद के जो एजेंडे पे लेना ले जाना चाहते हैं, और हम इस देश को एक लॉजिकल इंडिया के रूप में हम इसको स्थापित करना चाहते हैं, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, वो चाहते हैं कि इस देश में जो हकूक इंसाफ की जो बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के खात्मे की खात्मा करना चाहते हैं, और हमारी बड़ी लड़ाई है कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बचेगा तो इस देश का वंचित समाज बचेगा, ये मुल्क बचेगा, क्योंकि हमारा जो आधार है, इस आधार पर हम खड़े होकर बात करते हैं, वो इस देश का संविधान है, और संविधान पूरा जो डेमोक्रेसी है वो ये लोग तो डेमोक्रेसी के विरोधी लोग हैं ना, ये लोग तो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म कर दें, ये लोग तो आज बताइए कि इनके लोग ना आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा है, आज ये कह रहे हैं कि शहीद अशफाक बिस्मिल की शहादत पे उसको कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी हुई, मतलब कि अशफाक बिस्मिल की शहादत को भी नहीं मानते हैं, क्यों, तो ये लोग एक जो है एक भगवाधारी जो लोग हैं ये एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें कि मनुवाद का वर्चस्व, और हम इस मनुवाद के वर्चस्व किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे।